से खड़ी हो, खड़ी हो। मैंने कहा अब मुझे एक सेकंड भी यहाँ नजर ना आना, निकल जाओ यहाँ से। जैसे उसका भाई उसको झूला दे रहा कार, बाजी भी मुझे झूला देती। और नहीं अरे, ये इतने ज्यादा रेंट लेते हैं ये लोग। चलो अब ऐसे ही खेलो। जा, अभी भी मुंह लटका है। आप ना बस चुप हो जाओ, चुप करके चलो। उसने नहीं आना होगा हुजूर। उसने मेरे साथ ही आना था, समझ आ गई तुम्हें? उसके कजन आए हुए थे इसलिए वो नहीं आई। नहीं जी, मैंने और उसने इकट्ठे ही जाना था, बस बाबा को जल्दी पड़ी हुई थी कि चलो चलो चलो, नहीं तो उसने मेरे साथ ही आना था। उसको बहाना मिल गया, अब चलो। हमें पार्क में अकेला छोड़ के खुद तो बाबा जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। इतनी जल्दी भी क्या थी, थोड़ा सा वेट ही कर लेते। चलो अरीन जल्दी चलो। रुको इज़ा, हरीम आपके साथ है? हरीम ये लो अपनी फुटबॉल, भाजर मैं प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और ये क्या बात हुई भाई, आप दोनों चले जाओगे, मैं इसको कहाँ संभालूं? हैं? खुद मुझे करो और मैं इसके साथ इसको संभालूं। हाँ तो क्या हुआ, आपकी छोटी बहन है? इज़ा बड़ी बहन बनो, भाजर मेरा सुबह स्कूल में मैच है, आप उसका ध्यान रखो। हर वक्त ना इसको मेरे ऊपर ही छोड़ देना, समझ आ गई? खुद तो कुछ करना ही ना, बस स्कूल में मैच पता नहीं क्यों आ जाते हैं। पढ़ाई तो करनी नहीं, स्कूल के मैच स्पोर्ट्स वगैरह करते रहते हो। ओह फिजा, मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता, चलो भाजी ना। छोड़ के चले गए इसको मेरे। बात क्या हुआ? चुप करके चलो, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो चुप करके ही जा रही थी। झूलों में खेलते हैं ना। ओ हेलो, मुझे अब तंग ना करना, मैंने ये डॉल का सेटअप करना है, मैरू भी आने वाली होगी, उसके साथ खेलना है, अपना जो करना है ना करो, ठीक है? मुझे तंग किया ना फिर देखना, जाओ अब यहाँ से। मैं किसके साथ खेलूंगी, मैं तो आपके साथ ही खेलूंगी ना। चुप हो एक सेकंड, मैंने डॉल का वो रखा था ना। हाँ रखा, आप ना अकेले खेलना, मैं नायरू के साथ खेलूंगी, समझ आ गई? चलो आप चले आगे। रुको, जूस पी दो।
भी आ जाओ। और इधर बैठते हैं, इधर सेट करते हैं। हाँ इधर सेट करूंगी मैं। रुको अभी रुक जाओ, चीजें गिर जाएंगी सारी, तंग कर लिया। रख दो इसे, खबरदार अगर उठाया तो। इतनी प्यारी है, अभी तक तो मैंने मैरी को कुछ भी नहीं दिखाया, जब दिखाऊंगी ना तो वो भी खुश हो जाएगी, उसको भी फिर मैं इसी तरह की एक ला कर दूंगी। ये भी है बा, कुछ हो सकता। मत, इसे ये कह रही हूँ आपके हाथों से चीजें गिरती हैं, टूट जाएगी मेरी चीजें। बात गलती से गिर गया। चुप कर जाओ, उधर रुके बैठो, खबर जाओ मेरी चीजों को छेड़ा तो। मैरी ये सब देखेगी, बहुत खुश हो जाएगी कि मैंने इतनी नई नई चीजें ली हैं, उसको भी लेकर दूंगी, बहुत प्यारा लगेगा ये इसको। छोटी छोटी जूती कितनी प्यारी हैं। बस वो तो अपनी दोस्त याद आ रही है, मेरी तो फिक्र ही नहीं है। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी हैं, लेकिन देर भी बड़ी लगनी है इनको सेट करने में, छोटी छोटी चीजें। छोड़ो इसे, खड़ी हो मैंने कहा, अब मुझे एक सेकंड भी यहाँ नजर ना आना, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। सुनी नहीं बात, तंग करी जा रही, दिमाग खा के रख दिया, सेट करने नहीं दे रही मुझे, खबरदार अगर अब यहाँ आई। बाहर मैं चली जाती हूँ, बाहर मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन मैं अकेले क्या खेलूंगी। कहीं भी जाओ मुझे क्या परवाह, पहले दिमाग खा के रखा हुआ है, मैरो को भी नहीं लेके आए, जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तंग कर रही हो, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं अकेली खेलूं, बाहर तो अपने साथ मुझे खेलने ही नहीं दे रही। यहाँ पर तो बहुत सारे झूले, मैं तो झूले ले लेती हूँ। काश बाद मेरे पास होती, जैसे उसका भाई उसको झूला दे रहा है, काश बाजी भी मुझे झूला देती। चलो यहाँ थोड़ी चले, एक्सरसाइज कर ले।
हाँ चल यहाँ पे करते हैं तुको। हाँ जा भाईजान, हमें ना एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत जरूरी है। और भाईजान आपका एक हाथ किसी को पड़ जाए ना वो ऐसे हो जाता है। ओ ऐसे उठो, गेम पूरी करें। अच्छा चलो। कितना वेट करूं और मैं रुका, कब से नहीं आई वो। एक तो वो मेरे से बेचारी नाराज भी होगी, बाबा ने उसे आने ही नहीं दिया। हाय मैरू जल्दी से आ जाओ, मैं बोर हो रही हूँ अकेली बैठ के। थोड़ा ना उसके फेर ही लेती हूँ। हरीम गिर गई। हरीम क्या हुआ? हरीम क्या हुआ आपको? फिजा किधर है? क्या नहीं खेल रही है? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? मैंने बहुत दूर से देखा कि ये गिर गई। ये इसको इसलिए चोट लगी है कि आप इसको छोड़ के चली गई थी। क्या मतलब? मैं वहाँ पर मेरू का वेट कर रही थी।
मेरू 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 मैं तंग आ गया मेरू को सुनके। अगर मेरू को आपकी इतनी ही फिक्र होती तो वो आपके साथ होती। अब वो आना चाहती थी मेरे साथ, लेकिन बाबा ने जल्दी की इसलिए वो नहीं आ पाई। बाबा ने जल्दी नहीं की, उसका मूड नहीं था। आप कैसे कह सकते हो कि उसका मूड नहीं था? मेरी दोस्त पे फजूल का इल्जाम ना लगाओ, समझ आई? वो जो उसकी कजन जायदा है ना, उनके साथ उसने टाइम स्पेंड करना था और उसने आपके साथ झूठ बोला। अयान बस बहुत हो गया, अब उस पे इल्जाम लगाना बंद करो। अच्छा इतनी फिक्र है अपनी दोस्त की, चलो मेरे साथ। हरी माओ रुको मैं भी एक मिनट आती हूँ। मेरू आप यहाँ? लेकिन आप वो फिजा वो मैं आपको बताना भूल गई थी कि मेरा ना प्लान इनके साथ बन गया था। बस अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ आ गई है। बस फिजा वो तो बस मैंने कह दिया, अब आप अपने कजन्स के पास जाओ और उनके साथ स्पेंड करो टाइम। मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैंने अपने बहन भाइयों के साथ खेलना है। अब जाओ आप उनके साथ। सॉरी फिजा, लेकिन मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रही यान, तो ये सब मैंने अपनी बहन के साथ कैसे कर लिया? फिजा एक दफा आपने समझाया था मुझे कि अपने बहन भाइयों का ख्याल ज्यादा रखना चाहिए दूसरों से, अपने बहन भाइयों से ज्यादा और कोई नहीं होता। और आज आपने ही वही गलती की जो मैं कर चुका हूँ। मैंने बहुत गलत किया, मुझे इस चीज का एहसास है, मुझे माफ कर दो। माफी तो आपको हरीम से मांगनी चाहिए। हरीम मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बाद एक शहर से आप मुझे अपनी डॉल से खेलने दोगी? हाँ क्यों नहीं। ओ भाजन भी आ गए। ओ हेलो भाजन, कैसे हैं? खेल लिया आपने? अच्छा। अच्छा। जी बच्चों तो? हाँ जी चलो फिर चले। नहीं अभी क्यों? उस वक्त से क्या कर रहे हो आप लोग? हम लोग ने खेल लिया, बस आपके साथ अब खेल रहे। मेरे ना बाबा ना मैं थका हुआ हूँ, आपके साथ तो खेलना ही पड़ेगा। नहीं 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 चले फिर। ये क्या भाई? ये तो खत्म होने वाला लग नहीं रहा मुझे। आप लोग हमारी वीडियो को देखें, एंजॉय करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें शेयर करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलो हरी। बाबा हर वक्त मुझे डांटते हैं, भाई को ही लेके देते हैं।
जब मैं कहती हूँ तब कहते पैसे नहीं है। अयान, आपके कहने पे हरीम को मैं ले तो आया हूँ। आ गया। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई सलीम। आपने कहा था आज पैसे लाजमी मिल जाएंगे। नहीं नहीं सलीम भाई, ये तो अच्छी बात नहीं है। मेरे पास तो जो पैसे थे वो तो मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें ले ली, अब मेरी जेब तो खाली हो गई है इस वक्त। जी नहीं मेरे भाई, मेरे पास भाई खर्चा भी नहीं है। बाबा। नहीं भाई, नहीं 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 बाबा, मर्जी है यार, तुम्हारी मर्जी है भाई। जी हरीम, क्या मसला है, क्या कह रही हो आप? बाबा वो क्या, अब जरूर कोई फरमाइश लेके आई होगी। कोई चीज नहीं लेनी यहाँ से, चलो जाओ अब यहाँ से। इसीलिए कहता था इस लड़की को ना लेके आओ, फरमाइशें नहीं खत्म होती हैं जिसकी। दूसरा, लोगों ने तंग किया है, हद हो गई है। अरे ये बाबा हरीम को क्यों डांट रहे हैं? ये तो इधर भी पर है। मेरे प्यारी डैडी, मैं आपको नहीं लेके जा सकती, मेरे बाबा ने मुझे डांटा है, आपको पता है? आप बहुत प्यारे हो, मैं आपको ले तो जाऊंगी लेके, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको प्यार तो कर सकती हूँ। अब आप इधर बैठ जाओ, मैं आपको नहीं लेके जा सकती। लगता है इसको ये चाहिए। मेरी प्यारी बहन छोटी है, दिल तो करता होगा टेडी देखे कि मैं ये ले लूं। बाबा नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो इसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ ना। कोई बात नहीं, कल नेशनल डे पे मैं नहीं जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा जी, अरे आपने अभी तक अपनी चीजें नहीं ली स्कूल की? जल्दी करो बेटा, देर हो रही है, फिर मैं आपका वेट कर रहा हूँ। वो बाबा, मुझे लग रहा है मेरे गले में दर्द है, तो मैंने फैसला किया है कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। तो बेटा आप चीजें तो ले लो ना, अगर तबीयत ठीक हुई तो चले जाओगे। नहीं बाबा, जब मैं जाऊंगा ही नहीं तो फिर चीजें क्यों लो? जब जाऊंगा तब चीजें भी ले लूंगा बाबा। देख लो बेटा, कल आपके स्कूल का नेशनल डे है, अब मेन फंक्शन होता है ये स्कूल का। कोई बात नहीं बाबा, मैं नेक्स्ट टाइम ले लूंगा। चलो ठीक है,
जैसे आपकी मर्जी, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। बाबा जी, वो मैं स्कूल तो नहीं जाऊंगा, तो कोई और चीज ले लो। क्या मतलब? कोई टॉय। चलो ठीक है, स्कूल तो आपने जाना नहीं है, उन चीजों की जरूरत नहीं है, उसी जगह फिर आपने जो चीज लेनी है वो ले लो। थैंक यू पापा। वेलकम। एक टेडी तो था, मैंने कोई बड़ी चीज को नहीं मांगी थी। यार टेडी, बाबा हर वक्त मुझे डांटते हैं। भाई को ही लेके देते हैं, जब मैं कहती हूँ तब कहते पैसे नहीं है। लगता है मेरी प्यारी बहन नाराज हो गई है, तो इसको ऐसे मनाते हैं। इसका क्या फायदा, बाबा ने गाइड नहीं लेना। अरे बाबा ने मना किया ना, भाई ने तो नहीं। और जो चीज मेरी बहन को पसंद आ जाए, ये हो ही नहीं सकता कि उसका भाई उसको ये चीज ना लेके दे। क्या सच में? लेकिन भाई आपकी तीनों का क्या होगा? कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहन, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा तो क्या हुआ, मैं आपके साथ कल टाइम स्पेंड करूंगा। सच्ची? हाँ जी। क्या सच में? ये टेडी मैं ले लूं? हाँ ये आप ले लो। आप मेरे सबसे प्यारी भाई हो और आप मेरी सबसे प्यारी बहन हो।